फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोचअप अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। एक बार से आपका दोबारा से स्वागत है हमारे सर्किट थ्योरी के थ्योरम्स के एक टॉपिक में, जो हमारा आज कौन सी है थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम। अब इस थ्योरम को हम करने वाले हैं। नॉर्टन थ्योरम का स्टेटमेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं, स्टेटमेंट हमारा क्या है। स्टेटमेंट हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है, इसका जो स्टेटमेंट है मेरा नॉर्टन थ्योरम का, बिल्कुल सिमिलर है हमारे थेवेनिन थ्योरम से। देखो क्या है, इन एनी लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट हैविंग मोर नंबर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाई सिंगल इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ इक्विवेलेंट करंट सोर्सेज आई एन इन पैरेलल विद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। माना कि हमारे पास कोई एक सर्किट दे रखी है जो कि लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल है, उसके अंदर हमारे नंबर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। उस सर्किट को बड़े, जो कितनी भी बड़ी सर्किट हो, इतनी बड़ी सर्किट को हम सिंपल वे में किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं इक्विवेलेंट सर्किट में, जिसमें क्या होगा हमारा एक ISC शॉर्ट सर्किट करंट, जिसको हम IN भी बोल सकते हैं, नॉर्टन्स करंट, इन पैरेलल विद, तो उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस कौन सा, RN नॉर्टन्स रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, और RTH मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। जैसे कि हमने थेवेनिन थ्योरम के अंदर देखा था, थेवेनिन थ्योरम में हम क्या वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद वो लगा रहे थे रेजिस्टेंस, इसके अंदर हमारा बस फर्क क्या है कि करंट इन पैरेलल रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का सेम तरीका जो हमारा थेवेनिन थ्योरम में था, बस इसमें शॉर्ट सर्किट करंट करेंगे, उसमें हम ओपन सर्किट वोल्टेज कर रहे थे। तो इस वाले थ्योरम्स को भी हम एक विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल देखते हैं, उस एग्जाम्पल में कि किस तरह से इस थ्योरम को हम एग्जाम्पल के हेल्प से सॉल्व करते हैं। अब हम नॉर्टन्स थ्योरम को एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, नॉर्टन्स थ्योरम को हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखते हैं कि नॉर्टन थ्योरम्स होती किस तरह से। तो ये हमारे सामने सर्किट है और इस सर्किट में हमको 1 ओम से करंट पूछा है। तो हम दो ये भी देख लेते हैं कि दोनों थेवेनिन थ्योरम नॉर्टन थ्योरम में डिफरेंस क्या है, उसमें क्या करना पड़ता है। देखो, थेवेनिन थ्योरम में हमें जिस रेजिस्टेंस के कारण पूछा गया था, करंट या वोल्टेज पूछा जाता है, तो हम उसको मानते लोड रेजिस्टेंस, और उसमें हम उसको क्या कर सकते थे, ओपन सर्किट मतलब हटा देते थे। पर इस वाले में क्या करते हैं, हम केस फर्स्ट लेते हैं, रिप्लेस द लोड रेजिस्टेंस बाय शॉर्ट सर्किट एंड फाइंड शॉर्ट सर्किट करंट। इसको हमको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना है। तो पहली स्टेप हमारी क्या होगी नॉर्टन थ्योरम में, कि जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना है। अब मैंने इसको कर दिया शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस। जब ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाता है, उसके बाद इसमें मुझे निकालना है शॉर्ट सर्किट करंट ISC। तो पहली स्टेप मेरी ये होगी कि अब इसमें ISC किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब देखो, ये मेरे सामने फिगर दी हुई है, इसको तुम कैसे भी कर सकते हो, KVL लगाओ, KCL लगाओ, नोडल लगाओ, मैश लगाओ, जो भी लगाना लगाओ, पर इसमें हमें ISC कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास देखो, मुझे जो इजी स्टेप दिखा वो क्या है, ये 18 एम्पियर इधर फ्लो कर रहा है, 18 एम्पियर इधर फ्लो कर रहा है। तो ये देखो 3 ओम और 6 ओम अब मेरे किस में आ गए, पैरेलल में आ गए, पैरेलल में आ गए। 3 ओम और 6 ओम को हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है, 6 × 3/6+3, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते तो 18/9, तो क्या आता है 2 ओम। तो ये हमारा दोनों को मिला के कितना हो रहा है 2 ओम, और 2 ओम और 2 ओम कितना हो गया 4 ओम। तो देखो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 4 ओम और ये 4 ओम, दोनों के दोनों मेरे क्या है इक्विवेलेंट, इक्वल रेजिस्टेंस है। जब दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है, इसका मतलब दोनों के अंदर करंट फ्लो होने वाला है वो क्या है इक्वल। तो दोनों के अंदर हमारा करंट फ्लो होगा इक्वल। कैसे हुए इक्वल, ये दोनों पैरेलल है, इन दोनों को मिला के मेरा 2 ओम रेजिस्टेंस बन रहा है, 2 और 2 4 हो गया, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, तो इक्विवेलेंट। तो इसमें हमने कर दिया 9 एम्पियर फ्लो, इधर भी हो गया मेरा इस वाली सर्किट में 9 एम्पियर फ्लो। इसके बाद हमारा अब इसमें लगा देंगे हम करंट डिवीजन रूल, कि 9 एम्पियर में से इस वाली आर में कितना फ्लो हो रहा है, को क्या लगाएंगे करंट डिवीजन। तो हम लिख सकते हैं वाई करंट डिवीजन डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल से क्या हो गया मेरा, इसमें क्या करते थे करंट डिवीजन में, कि जिस आर में हमको पता करना है उसका अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। अगर 3 ओम के अंदर पता करना है तो उसका अपोजिट कितना मेरा 6 ओम, 6 अपॉन 6+3 टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट, इस वाली आर में क्या आ रहा था 9 एम्पियर इनटू 9, तो ये हो गया मेरा 6 × 9/9, तो ये हो गया 6। तो इसका मतलब हमारी इस वाली आर में अब कितना करंट फ्लो हो रहा है 6 एम्पियर। तो यहाँ से मुझे ISC पता चल गया, तो मेरी ISC की वैल्यू क्या होगी 6 एम्पियर। तो मेरी पहला केस सॉल्व हो गया ISC, और ISC की वैल्यू होगी मेरी 6
एम्पियर। एक स्टेप हमने सॉल्व कर ली। दूसरा स्टेप में क्या करना था, हमें आर एन कैलकुलेट करना था। तो आर एन कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बताया था कि हमारे जितने भी अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेज है उनको उसके इंटरनल इम्पिडेंस से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे अगेन मेरा क्या है, करंट सोर्स है, इसका इंटरनल इम्पिडेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो उसको हम रिप्लेस करते हैं किससे, ओपन सर्किट से। तो ये हमने कर दिया ओपन, ये मेरा हो गया ओपन सर्किट। ओपन सर्किट हो गया। इस रेजिस्टेंस की हमें कोई नीड भी नहीं है। वैसे ये मेरा 5 ओम था, इसकी नीड भी नहीं पड़ रही कोई भी। क्यों? क्योंकि अभी ओपन सर्किट होगी, इधर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या रहा, अब ये हो गया 4 ओम और 2, ये क्या हो गया 6 ओम पैरेलल विद 6 ओम, 6 ओम पैरेलल विद 6 ओम। तो इसको हम कर सकते हैं 6 पैरेलल विद 6, हमारा क्या हो गया 6 × 6/6, जो हो जाता है मेरा 36/12, और ये हो गया 3 टाइम। तो ये हमारा हो गया 3 ओम। अब ये थ्री, ये इस वाले पूरी आर्म का क्या हो गया मेरा 3 ओम, और ये किसके सीरीज में आ गया 3 ओम के। 3 और 3 कितने हो गए 6। तो मेरी आर एन की वैल्यू, आर एन और बोल सकते हैं हम आर टी एच की वैल्यू भी आ गई 6, 3 और 3, 6 ओम। अब देखो हमें आई एस सी भी मिल गया, आर एन भी मिल गया। तो इसको हम अब नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में पुट कर देंगे। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में हमारा क्या है, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट क्या थी मेरी, कि आर एन पैरेलल में था किसके, आई एस सी के, और उसके पैरेलल में मेरा आ जाएगा लोड। को अब हमारे आर इक्विवेलेंट, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में क्या था, आई एस सी था, आर एन था और आर एल हो गया। तो हमारा आई एस सी की वैल्यू हमें पता है क्या है, 6 एम्पियर, ये मेरा 6 एम्पियर। और आर टी एच की वैल्यू क्या है मेरी, 6 ओम, ये मेरा कितना था 1 ओम। अब इसमें वापस से मैं करंट डिवीजन लगा दूंगा, यहाँ से टोटल करंट 6 ओम जा रहा है, या 6 एम्पियर जा रहा है सॉरी, ये 6 ओम और 1 ओम दोनों क्या है पैरेलल में। तो पैरेलल में हम क्या लगाते हैं, करंट डिवीजन। तो इसके अंदर मुझे वापस से फर्दर अगर करंट डिवाइड करना है तो क्या करते हैं हम, इसका अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इंटू टोटल करंट। तो हमारा 1 ओम का अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, तो ये हो जाएगा 6। अगर मुझे आई करंट कैलकुलेट करना है 1 ओम के अंदर, आई 1 एम्पियर 1 ओम के अंदर जो करंट पता करना है, तो इसके अपोजिट में क्या है 6 ओम अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो 6+1 इंटू टोटल करंट क्या है मेरा 6 एम्पियर। तो ये आ जाएगा मेरा 36/7। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऐसे ही हमारे वीडियोज़ को लाइक करते रहिए। अगर किसी को और भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो, बेस कोई सी भी थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम से प्रपोजिशन, थेवेनिन्स, और भी हम थ्योरम डालने वाले हैं, आप हमको कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।